हेलो गाइस, इसमें सौरभ मन्ना, वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने टाटा स्टील JET के लिए अप्लाई किए थे कलिंगनगर पोस्ट के लिए, आप लोगों का तो एग्ज़ाम हो चुका था 27 अगस्त को। अब आप लोग वेट करते कि इसका रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में एक शॉर्ट अपडेट आप लोगों को देने वाला हूँ। आप लोगों का जो रिज़ल्ट है सेप्टेम्बर मिड तक आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है ना, क्योंकि टाटा स्टील द्वारा जब भी कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो एटलीस्ट 2 या 3 हफ्ता लग ही जाता है रिज़ल्ट आने में, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का जो रिज़ल्ट है एटलीस्ट सेप्टेम्बर मिड तक आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और रिज़ल्ट कैसे पता करोगे, रिज़ल्ट जो है आपका जो खुद का जो आपका जो पर्सनलाइज्ड ईमेल आईडी जो है उसमें आपको मेल भेज दिया जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो चुका है, अब आप इंटरव्यू राउंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि एक जगह रिज़ल्ट अपलोड कर देता, अब आप लोग जाके चेक कर सकते हो, ऐसा टाटा स्टील द्वारा नहीं करवाते। और टाटा स्टील कभी बताते नहीं है कि आपका कितना रिज़ल्ट हुआ, आपको कितना रैंक आया है, कभी कट ऑफ भी जारी नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो रिज़ल्ट है आपके पर्सनलाइज्ड ईमेल आईडी में भेज दिया जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो तभी मेल आएगा, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो समझिए आपके पास मेल नहीं आएगा, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम क्लियर होगा तो उनको मेल भेजा जाएगा जिसमें सारा चीज़ मेंशन रहेगा कि आपका जो एग्ज़ाम वो क्लियर हो चुका है, अब आप इंटरव्यू राउंड के लिए एलिजिबल हो, और इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है सारा चीज़ मेंशन रहेगा, ठीक है। मतलब उसके लिए अलग से फिर से मेल आएगा, इंटरव्यू के लिए क्या क्या ले जाना है, कब होगा, कैसा होगा, सब कुछ अलग से मेल भेजा जाएगा सब। बट सबसे पहले आपको मेल भेजा जाएगा रिजल्ट का, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम क्लियर होगा उसी के पास मेल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ओके। ये आपका क्लियर हो चुका है, तो बस आपको करना यही कि आपको मेल बार बार चेक करते रहना होगा, डेली आपको मेल चेक करते रहना होगा। या तो आप सितंबर मिड में भी आप अपना मेल चेक कीजिएगा, आपके पास अगर आप मेल आ जाता है एग्ज़ाम क्लियर होने का तो समझिए आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, अब आप इंटरव्यू राउंड के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपके पास मेल नहीं आता तो समझिए आपके पास आपका जो रिज़ल्ट है वो क्लियर नहीं हुआ, आपका एग्ज़ाम है जो वो क्लियर नहीं हुआ है, और आप इंटरव्यू के लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। टाटा स्टील द्वारा अलग से कोई भी रिज़ल्ट जारी नहीं करता, ना कि ये बताते कि आपका कितना रैंक हुआ है, कितना स्कोर हुआ, कितना कट ऑफ किया, ठीक है। हाँ, एक ये चीज़ ये लोग कर सकता है कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट सेक्शन है यहाँ पे भी अपलोड कर सकता है, बट अभी इसका कोई गारंटी नहीं कि हाँ इस बार कर सकता है कि नहीं, ठीक है ना। तो वो बस आपको रिज़ल्ट चेक करना है तो आप अपना मेल में चेक कर सकते हो, ठीक है। बस यही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप लोग मेल चेक करते रहे, आपके पास मेल ज़रूर आ जाएगा, ओके। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।